जिस तरह के माहौल में हम लोग रह रहे हैं, जिस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा स्ट्रेस्ड और ओवरवेल्म फील करना काफ़ी कॉमन हो गया है, जो नहीं होना चाहिए। इंडिया में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, डिसऑर्डर्स लाइक एनजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन, इनका ग्राफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। आप इनमें से किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो या फिर नहीं, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना हम सभी की प्रायोरिटी होनी चाहिए। हम सभी लोग निगेटिव इमोशंस को अपनी डेली लाइफ में फेस करते रहते हैं। जाने अनजाने हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसी आदतों को अपना लेते हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ पर काफ़ी बुरा असर डाल सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ आदतों के बारे में आपको बताएंगे, जिससे आप इन आदतों को दूर कर सकें और अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकें। तो आइए बात करते हैं आज के इस टॉपिक की और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर वन, काइंडनेस आपकी कन्वर्जेशन में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, लेकिन बार बार ये सोचना दैट यू आर नॉट नाइस इनफ कैन हर्ट योर मेंटल हेल्थ। दूसरे लोग आपको किस तरह से देखते हैं इस बारे में ज़्यादा सोचना, एंशियस फील करना, यह आपकी काफ़ी एनर्जी वेस्ट कर देता है। दूसरों के बारे में सोचने से पहले ये ज़रूरी है कि आपकी सारी नीड्स पूरी हो। यानी अगर आप अपनी सारी एनर्जी ये सोचने में लगा देते हैं कि दूसरे लोग आपको किस तरह से परसीव कर रहे हैं, तो आपके पास खुद के बारे में सोचने के लिए, खुद के मेंटल स्टेट के बारे में सोचने की एनर्जी ही नहीं बचती, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी तो दूसरों के बारे में सोचने में ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो अगर आप भी सबके लिए अच्छा बनने को लेकर ज़्यादा सोचते रहते हैं, तो इस आदत को छोड़ना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर होगा। नंबर टू, अकेले रहना आपको आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट को समझने में आपकी मदद करता है। आपको आपकी बिजी लाइफ में से कुछ टाइम अकेले स्पेंड करना आपको खुद को अच्छी तरह जानने का भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन ज़्यादा वक्त अकेले रहना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, आपके मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डाल सकता है। इवन अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं, तब भी आपको डेली सोशल इंट्रैक्शन की ज़रूरत होती है मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। एक रूम में पूरे दिन पूरी रात बंद रहना, अकेले रहना लोनलीनेस और डिप्रेशन जैसी सीरियस मेंटल प्रॉब्लम्स को पैदा करता है। किसी फ्रेंड से बात करना, फैमिली मेम्बर से कुछ भी डिस्कस करना या फ्रेंड से मिल नहीं सकते तो वीडियो कॉल करना। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सको, तो सिंपली आप एक वॉक के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसे ही एक जगह पर अकेले बंद रहकर आप अपनी मेंटल हेल्थ को बुरी तरह से हार्म कर रहे हो। याद रखिए, अभी आपको सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है, इमोशनल डिस्टेंसिंग की नहीं। नंबर थ्री, झुककर बैठना या गलत पोस्चर में बैठना सिर्फ बैड मैनर्स नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा बुरा हो सकता है। इस तरह बैठने से पूरा प्रेशर आपके स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी और इंटरनल ऑर्गन्स पर पड़ता है, जिसका सीधा इन्फ्लुएंस होता है हमारी फीलिंग्स पर। स्ट्रेट बैठना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए नहीं बल्कि फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अभी ये वीडियो देखते वक्त भी आप में से बहुत सारे लोग बैड पोस्चर में ही बैठे होंगे या फिर लेटे हुए होंगे। चेंज इट राइट नाउ। स्टडीज़ में देखा गया है कि आपका अच्छा बॉडी पोस्चर आप में एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करता है और मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक डिप्रेशन और एनजाइटी के सिम्टम्स को कम करने का भी काम करता है। तो सिर्फ आपके बॉडी पोस्चर का आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर कितना इफेक्ट पड़ सकता है, ये आप जान ही गए होंगे। तो अगली बार गलत पोस्चर में बैठने से पहले इस बात को ध्यान ज़रूर रखिएगा। पॉइंट नंबर फोर, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए खुद पर काम करना एक अच्छी आदत है, लेकिन जब हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं तो इसका इफेक्ट नेगेटिव हो जाता है। अगर आप बिना किसी लिमिट, बिना किसी बाउंड्री सिर्फ परफेक्शन को पाना चाहते हैं, तो आपकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। इस परफेक्शन को अचीव करने के लिए आप अपने माइंड और थॉट को रिलैक्स नहीं कर पाते, रूल्स, लिस्ट, वर्क जैसी चीज़ों को ऑब्सेशन पैदा हो जाता है और ये पैदा करता है अलग अलग तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स को। तो परफेक्शन के पीछे भागना बंद कीजिए और हमेशा याद रखिए, योर इम्परफेक्शंस मेक यू परफेक्ट। पॉइंट नंबर फाइव, लाइफ में कई बार आप बिना किसी वजह के ही खाली खाली फील करने लगते हो। आप चाहकर भी इस अजीब से फीलिंग को दूर नहीं कर पाते और ये एंशियस फीलिंग आपका पूरा दिन खराब कर देती है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका मेन रीजन होता है निगेटिव सेल्फ टॉक। क्या आप खुद से भी ऐसे बात करते हैं जैसे आप दूसरे लोगों से बात करते हैं? शायद नहीं।
जब हम दूसरों से बात करते हैं तो काफ़ी सारी बातों का ध्यान रखते हैं, लाइक उसे समझ आना चाहिए, उसे बुरा नहीं लगना चाहिए, उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड बात होनी चाहिए, हमारा टोन स्वीट स्वीट लगना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन जब बात आती है खुद से बात करने की, सेल्फ टॉक की, तो हम ये सब भूल जाते हैं। स्वीट बोलना तो दूर की बात, हम खुद से काफ़ी हार्शली बात करते हैं, क्योंकि हम हमारी लाइफ में बाकी सभी को वैल्यू देते हैं, सिर्फ खुद को नहीं। द वर्स्ट पार्ट इज़ हमें पता नहीं होता कि हम निगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं, और यही निगेटिव सेल्फ टॉक आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालती है। अगर आप में भी निगेटिव सेल्फ टॉक की आदत है तो इसे अभी ख़त्म करना शुरू करें, और इस निगेटिव सेल्फ टॉक को रिप्लेस कीजिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक से। पॉइंट नंबर 6, रिग्रेट। ये एक ऐसी इमोशनल स्टेट है जो कम मात्रा में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब हम इसे अपनी आदतों में शामिल कर लेते हैं तब प्रॉब्लम शुरू होती है। कुछ रिग्रेट तो हम सभी के लाइफ में रहते हैं, लाइक अपना मनपसंद स्टडी फील्ड चूज ना कर पाना, फेवरेट जॉब ना मिलना, जिससे प्यार करते हो उससे शादी ना होना, और भी बहुत कुछ। लेकिन इस रिग्रेट की फीलिंग को अपनी डेली हैबिट ना बनने दें। इस तरह के रिग्रेट्स को जब हम अपनी डेली हैबिट्स में शामिल कर लेते हैं, बार बार इन्हें रिपीट करते हैं, रोज खुद को ये सब याद दिलाते हैं, तो ये एक परमानेंट स्ट्रेस का रूप ले लेते हैं। ये रिग्रेट की आदत आप में कई तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती है। इससे आपके अंदर स्लीप प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर्स, कॉन्सेंट्रेशन की कमी, डिप्रेशन जैसी सीरियस मेंटल प्रॉब्लम्स तक आ जाती हैं। तो इन रिग्रेट को बार बार रिपीट करने से अच्छा इनको भूलने की कोशिश कीजिए। पॉइंट नंबर 7, मोबाइल से दूर रहना थोड़ा मुश्किल है, स्पेशली ऐसे टाइम में जहाँ जॉब से लेकर स्टडी तक सब कुछ ऑनलाइन चल रहा हो। कोशिश कीजिए आपका स्क्रीन टाइम कम से कम रहे, मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ करने से बचिए। आपका स्मार्टफोन आपको डम बनाने का सबसे बड़ा रीज़न है। यह आपकी मेंटल हेल्थ कैसे अफेक्ट करता है ये भी जान लेते हैं। फ़ोन का एक्सेसिव यूज़ और सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग आपकी लाइफ में अननेसेसरी स्ट्रेस और लो सेल्फ एस्टीम जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो जितनी भी देर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ध्यान रखिए अननेसेसरी डिबेट्स, निगेटिव कन्वर्जेशन और निगेटिव पोस्ट से दूर रहें, और कुछ कुछ दिनों के बाद 5-7 दिन का सोशल मीडिया डिटॉक्स लेकर भी अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। वैसे भी रील्स पर इस लाइन को और आप कितनी बार सुनोगे, मोबाइल और मोबाइल डेटा का यूज़ कुछ अच्छा जानने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में कीजिए, जिसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं द साइकोलॉजी क्लासेस को। तो ये थी कुछ ऐसी आदतें जो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा हैं और हमारी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डालती हैं। अगर आप में भी इनमें से कोई आदत है तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ को भी उतनी ही वैल्यू दीजिए जितनी आप अपनी फिजिकल हेल्थ को देते हो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपका प्रीशियस लाइक डिजर्व करती है तो लाइक कर सकते हैं, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे हमें और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।